बड़े मास्टर तुम मेरे क्लिनिक चलो, ये जो मूंछ का हिस्सा है ना उस पर मैं जेल लगा दूंगा, उससे क्या है कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाएगा, उसके बाद मैं मूंछें निकाल के ड्रेसिंग कर दूंगा बस। ये पट्टी जो आपने भिड़े के मुंह पे लगाई है वो कहीं गलती से चिपकू कम से तो नहीं लगाई ना? हाँ शायद। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे दया गीजर चालू की है, चलो मैं बैग में फट कर दूँ। ठीक है, बिजली को याद दे दूंगी। चल वही हो, मैंने गीजर चालू कर दिया है। एक मिनट, बिजली क्या है? मैंने आपका नया नाम रखा है बिजली। बरसात की मौसम है ना तो बिजली। अरे लेकिन बिजली लेडीज नाम है और मैं जेंट्स हूँ, तेरी माँ को लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नजर नहीं आता? आता है ना। तो फिर वो माँ है, सबको एक ही नजर से देखती है। तो माँ को बोलो दूसरी नजर भी खोले। हाँ बोल दूंगी। अच्छा सुनिए, अब मैंने आपके लिए एक जरूरी बात बताई थी कि आज आप दुकान मत जाना। क्यों? अरे आज जोरदार मुंबई में बारिश होने वाली है और हाई टाइड भी है। हाई टाइड? हाँ, समुद्र की भर्ती का अंग्रेजी नाम हाई टाइड। अरे वो हाई टाइड नहीं डोबी, उसको हाई टीड बोलते हैं, हाई टीड। सॉरी। और एक मिनट, तेरी माँ को अहमदाबाद में बैठे बैठे या मुंबई के समाचार के बारे में कैसे पता चलता है? टीवी से समाचार में देखा तो तुरंत फोन कर दिया। अरे ये समाचार वाले कुछ भी बोलते, जब वो बोलते हैं कि आज आसमान स्वच्छ और साफ रहेगा तभी जोरदार बारिश होती है, और जब ये लोग बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है तब समझ जाने का कि आज कड़ी धूप निकलेगी। माँ को बोलो ये सब समाचार वालों पे विश्वास ना करे। चल मैं नहा के आता हूँ। क्या कर रहे हो टुवल दे? ऐसे न मिलेगा। क्या मतलब? आपको ये टुवल चाहिए तो मेरे हाथ से टुवल खींच कर लेना पड़ेगा। अगर आप टुवल खींचने में सफल हुए तो आप दुकान जा सकते हैं, वरना सॉरी आप दुकान नहीं जा सकता। अच्छा, एक कच्चे मड़ू का चैलेंज, ठीक है। बताते भी नहीं और शुरू कर दिया। आ गया, बाथरूम आ गया, नजदीकी है। ये टुवाल मुझे दे दे, ये टुवाल मुझे दे दे। बाबूजी, मैं ना क्या तो मैं किस लिए आया था? भूल गया। दया चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मत जाइए ना। क्यों? मैंने कहा था ना तो। तो फिर वही बात लेके बैठ गई और भूल गई, तूने ही कहा था ना मेरे हाथ से अगर टुवाल खींचने में आप सफल हो गए तो आप दुकान जा सकते हैं। तो टुवाल तो मैंने खींच लिया था। अरे वो तो बापूजी आ गए ना, इसलिए मुझे टुवाल छोड़ना पड़ा, वरना मैं ही जीतने वाली थी। अच्छा। हाँ तो मतलब मैं जीता हूँ बापूजी की वजह से। ठीक।
हो जाए एक एक हाथ, हो जाए। ए, 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 एक एक हाथ की बात हुई है, तेरे दो दो हाथ काम पे लगे हैं। क्यों डर गए बिजली? अच्छा तू भी आ रही है दुकान है? आजा आजा। आज कोई दुकान नहीं जाएगा। अरे ये बारिश में यही प्रॉब्लम है, रिक्शा ही नहीं मिलता है, क्या करूं? अरे अरे क्या 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 कर रहे? मतलब ए भाई साहब क्या करे, जरा आराम से चलाना चाहिए, कपड़े बिगाड़ दिए सब आपने पानी उड़ा के, जरा संभल के चलाओ भाई, ऐसा और क्या, और कुछ नहीं। जमाना ही नहीं रहा किसी को कुछ बोलने का, सब कपड़ा खराब कर दिया, वापस घर जाके बदलना पड़ेगा। दया ये क्या, अब दुकान छोड़ के वापस भी आ गए? अरे नहीं, दुकान तक तो पहुंच ही नहीं पाया, बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। अक्षी बारिश में भीग गए? देखा ना, मेरी माँ हमेशा सच कहती है, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। अरे बारिश में नहीं भीगा हूँ भाई। अरे क्या नहीं भीगे हैं, तो फिर ये सब क्या है? अरे भाई बारिश में भीगता है तो सिर्फ इतना ही भीगता, बाकी के बॉडी के घर पे छोड़ के गया था, भीगता तो पूरा भीगता ना। हाँ बराबर है, लेकिन तो फिर सिर्फ इतना ही इलाके में कैसे भीगे? जमीन की बारिश की वजह से इतना ही इलाका भीगा हुआ है। जमीन की बारिश? अरे भाई मैं रास्ते से जा रहा था, रिक्शा ढूंढता हुआ, इतने में एक बाइक वाला ऐसे पास से ऐसे निकला जोर से एकदम, और मेरे बाजू में पानी से भरा हुआ खड्डा था, तो सब पानी ऐसे उड़ा मेरे ऊपर मट्टी वाला। अब समझ में आया, जमीन की बारिश की वजह से भीगा इतने इलाके में। अक्षी लगता है आपको जुकाम होने वाला है, आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्म गर्म काढ़ा बनाकर लाती हूँ, काढ़ा पीकर आप आराम से सो जाइए, और आज आप दुकान जाने का रहने ही दीजिए ना। हाँ अभी वैसे भी दुकान जाने का मूड गया। ठीक है, पहले बोलती थी तो माने नहीं, अब कैसे मान गया? मैं तो वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। वाह जुकाम गायब, मस्त नींद मिल गई। और दो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। क्या हो गया है सबको? सरकारी क्लर्क के घर से 80 लाख रुपए नगद मिले हैं, और दूसरे केस में कलेक्टर के ऑफिस से 2 करोड़। जी हाँ सही सुना आपने, 2 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूरा देश भ्रष्टाचारी हो गया है, पूरे देश में जगह जगह मच्छर की तरह फैले हुए हैं ये भ्रष्टाचारी लोग। हमारे सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार अत्र तत्र सर्वत्र छाया हुआ है। काला धन विदेश से वापिस आए तो हमारे देश में कई प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए शुरू हो सकते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मच्छर तो जो भ्रष्टाचार ने तो पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो हमारे देश में फिर से राम राज्य आ जाए, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल और ईमानदार देश मिले। लेकिन नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये रिश्वत देने वाले तो गुनहगार है ही, रिश्वत देने वाले तो उनसे भी बड़े गुनहगार है, सबसे पहले उनको ही सजा होनी चाहिए।
ये रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले अगर मेरे हाथ में आ जाए तो एक एक को छड़ी से मार मार के ईमानदार बना दूं। हाँ छोटी बोल बोल। ओए जेड़ा ब्रा किते? कुछ नहीं बस घर पे हूँ। और तुझे दुकान तो नहीं गए? ऊपर जाओगे भी कैसे, मौसम ही आज इतना रंगीन है। ओए अच्छे अच्छे दुकान पे ना जाए। क्या बात क्या बोल बोल। ओ ब्रा बात ये है कि आज पार्टी शार्टी करने का मूड है। अच्छा, और ऊपर से मेरा दोस्त अमरजीत है ना, उसने बादशाह होटल में खास पार्टी शार्टी रखी है। ओहो ओए सच्ची, और हम सारे मिल के जाएंगे बादशाह होटल में, शहंशाह बनकर जबरदस्त करेंगे पार्टी शार्टी। हाँ हाँ जरूर जरूर जाते हैं, मैं अभी मेहता साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ चंगा जेठा प्रा, फिर मिलते हैं, सी यू सून। अब वो क्षीर के अंदर जो क्षण था वो गड़बड़ था। एक मिनट। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब क्या कर रहे हैं? तालाब में बैठा हूँ, मछलियां पकड़ रहा हूँ। पापी अधर्मी हत्यारे। क्या कह रहे हो? तो और नहीं तो क्या, शाकाहारी होके मासूम मछलियों का मर्डर कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैंने कहा पकड़ रहा हूँ मछलियों को। अच्छा अभी पकड़े गए तो मासूम मछलियों की तरह शब्द जाल में मुझे फंसा रहे है? जेठालाल यार तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मजाक। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, किसी तालाब पे नहीं गया हूँ। आप अकेले ही मजाक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ फोन कैसे किया? अरे भाई छोटी का फोन आया था, हम सबको पार्टी में ले जाना चाहता है। क्या बात है, तो आप जरा सबको फोन करके बता देना प्लीज। अरे यार जेठालाल मैं क्यों बता दूं सबको, हर बार मुझे ही क्यों करना पड़ता है काम सबसे बात करने का। अरे भाई सोसाइटी में सब आपकी इज्जत करते है, क्या आप बोलेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। अब पार्टी में क्या सब लोग हो तो ही मजा आता है ना। चलिए आपका इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आफरीन आफरीन। ठीक है चलो ओके ओके। दया को भी बताता हूँ। दया दया आई आई। अरे आप उठ गए? उठ गया दया, उठ गया। नींद बराबर पूरी हो गई? एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा हूँ ना, तरो ताजा। एकदम एकदम गुगरे जैसा। अच्छा दया, 7 बजे मुझे सात बजे फिर से सो जाना है? नहीं नहीं मैं ये कह रहा था सोना नहीं, सो तो लिया अभी बहुत, और कितना सोऊंगा। 7 बजे मुझे सोमू भाई से मिलने जाना है। अरे भाई मैं तेरे अहमदाबाद वाले सोमू काका की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? ये तो मेरी एक पार्टी है, सोमेश्वर दत्ता जी। लेकिन आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों मीटिंग रखी है? फोन करके कह दो ना, मीटिंग कल करेंगे। नहीं नहीं आज ही जाना पड़ेगा, कल पार्टी नहीं है। पार्टी कल निकल जाने वाली है। कहाँ से? मुंबई से, अपने गाँव जलगांव, बहुत दूर से आई है पार्टी। तू फिकर मत कर, मैं पार्टी से मिलके जल्दी आ जाऊंगा, 2-3-4 घंटे में। तो फिर खाना? वैसे कुछ इच्छा तो नहीं है खाने की। बराबर है, जुकाम में कुछ खाने की इच्छा होती ही नहीं है। लेकिन अभी वो जिद करेंगे तो कंपनी देने के लिए थोड़ा पार्टी में, पार्टी के साथ थोड़ा पी लूंगा सूप बूप कुछ। हाँ गरम गरम सूप पी लेना, उससे जरा अच्छा रहेगा। मैं अभी शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बुला लेना। हा? जरूर। चलो आश, मेरा तो शाम का प्रोग्राम सेट हो गया। रोशन मेरे लिए फटाफट एक जोड़ी कपड़े निकाल दे। सनावरी। अरे बहुत अर्जेंट है, मुझे स्टेशन जाना है। वो अपना बल्लू है ना वो पंजाब जा रहा है, और साथ में ना सामान बहुत है। अब भी लाती। रोशन
तू किधर झुट्टू झुट्टू तो नहीं बोल रहा है? तू फ्रेश होके पार्टी शार्टी करने तो नहीं जा रहा है ना बाबा? ओ सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। वो जब भी रात को मेरे को बहुत जरूरी काम होता है तो तू मेरे पे शक क्यों करती है कि मैं पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ? क्योंकि रोशन इस वक्त पंजाब की कोई ट्रेन नहीं है। ओ, मैंने कब बोला कि ट्रेन से जा रहा है? अभी तो तूने कहा कि स्टेशन जा रहा हूँ। ओहो, तू भी बड़ी भोली है। वो रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टेशन। बस से पंजाब जा रहे? हाँ, वो क्या है ना, वेकेशन के टाइम में टिकटें तो मिलती नहीं है ट्रेन की, तो ये स्पेशल बसेस चलती हैं वेकेशन के टाइम में। उधर बस जाती है बाबा? और क्या मस्त रोड बन गई है, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है, आप फटाफट पंजाब पहुंच जाते हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश हो जा, मैं कपड़े लेकर आता हूं। हाँ। दो, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मुशायरे में जाना था आज। हाँ, कहाँ? पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर में? लेकिन तारक, पृथ्वी थिएटर में तो आज वो प्ले है ना? तो मंजरी, पूरी बात सुना करो। अरे पृथ्वी थिएटर के बाजू में मेरे दोस्त आनंद भाई का बंगला है, वहाँ पे मुशायरा है। आप कहीं पार्टी वार्टी करने तो नहीं जा रहे हैं? चाकू नीचे रखो पहले तो। पार्टी? कौन सी पार्टी? अंजलि कैसी बातें करती हो तुम यार, हर वक्त मुझ पे शक क्यों करती हो? पार्टी में जा रहे हो, वहां जा रहे हो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें मुझ पे शक है ना, तुम साथ चलो, तुम साथ चलो मेरे मुशायरे में। ओके, मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। मैं फटाफट सब्जी काटती हूँ, फिर फटाफट तैयार होती हूँ, फिर फटाफट जाते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ सब्जी ही नहीं काटनी है अंजलि। अरे ये एक इम्पोर्टेंट काम और करना, ये लो इस किताब में से गजल के पांच शेर याद कर लो। हाँ? मैं शायरी क्यों याद करूं? देखो उस मुशायरे में खास चीज रखी है कि जो शायर आएंगे वो तो सुनाएंगे, लेकिन जो सुनने वाले आएंगे उनके लिए भी कंपलसरी है कि कम से कम एक गजल सुनाए जिसमें कम से कम पांच शेर हो, तो इसलिए याद करनी पड़ेगी। क्या पांच शेर सुनाने पड़ेंगे? देखिए तारक, शेरो शायरी सुनना अच्छा लगता है पर सुनाना मेरा काम नहीं है। एक काम कीजिए, आप जाइए। श्योर? हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओके चल दे, मैं चलता हूँ। हाँ। हाँ। जी बाबू जी, अपने घर हीरा आ रहा है। कौन से पिक्चर का हीरो आ रहा है? ए बबूचा, पिक्चर का हीरो नहीं आ रहा है, बचाओ से हीरा चाचा आ रहे। अरे वाह, वो बोल रहा था कि जेठा से मिलना है, तो मैंने कहा आ जा, जेठा घर पे ही है। हाँ हाँ अने दीजिए, मिल लूंगा, उसमें क्या है। दया, तू बढ़िया खाना बना के हीरा चाचा को खिलाना, तब तक मैं पार्टी को मिल के आ जाता हूँ। अरे हीरा की अभी रात की ट्रेन है और वो खास तुझसे मिलने आ रहा है। क्यों, कुछ काम है? क्या, बिना काम के कोई किसी से मिल नहीं सकता? नहीं नहीं, पर पार्टी को मिलना भी जरूरी है बापूजी। अरे तो तेरी पार्टी थोड़ी देर राह देखेगी, हीरा तो अभी आ ही रहा है। हाँ टिप्पू के पापा, आप हीरा काका को मिलकर ही जाइए ना। एक काम करते हैं, आप पार्टी को यहाँ घर पर ही बुला लीजिए ना। अरे घर पे बापूजी, हीरा चाचा सब लोग ऐसे बातें कर रहे होंगे, उसमें बीच में मैं पार्टी को बिठा के धंधे की बात कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो भाई, तेरी पार्टी को कल मिलने के लिए बोल। बापूजी पार्टी नहीं है, नाराज हो जाएगी। अरे पार्टी है कि नई नवेली दुल्हन जो नाराज हो जाएगी? ठीक है, मैं हीरा चाचा को मिल के जाता हूँ। हाँ बैठ यहाँ। वहां सब आ गए होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक बड़ी एक्सचेंज ऑफर है साहब। हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत करनी है आपको एक्सचेंज?
मैं जानता हूँ आप घर पे बैठ के कह रहे होंगे मेहता साहब ऐसी किस्मत से कौन करेगा अपनी किस्मत एक्सचेंज, जहाँ पे बारिश से ज्यादा बरसती है मुसीबतें। भाई सही बात है, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत है ही कुछ ऐसी। अब देखे ना, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और उधर जेठालाल हीरा काका के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हीरा काका आएंगे, कब वो मिलेंगे और कब बाहर निकलेंगे। ये इंतजार बड़ी बुरी चीज होती है, कमबख्त इंतजार समाप्त ही नहीं होता। अब देखें ना, हम सारे ही लोग इंतजार कर रहे हैं महंगाई समाप्त होने का, हम इंतजार कर रहे हैं कि बगैर गड्ढे की सड़कों पे कब यात्रा करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। लिस्ट बड़ी लंबी है साहब, इंतजार समाप्त नहीं होता। लेकिन आपको हंसने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस अगला एपिसोड देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।